तो भाई अभी कुछ ही दिन पहले बजाज कंपनी के तरफ से सीएनजी बाइक का एक झंडा गाड़ा गया था और अभी भाई फिर से एक बार बजाज कंपनी के तरफ से एक न्यू झंडे गाड़े जा चुके हैं इसे इंडियन मार्केट में भी और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। मतलब कि अभी 2024 के ही आईपीईटी एक्सपो के अंदर बजाज कंपनी की तरफ से 100% फ्यूल जो इथेनॉल वाला है ना, तो उसमें चलने वाला एक जो न्यू बाइक है बजाज पल्सर NS160, तो उसको शोकेस किया है जो कि अगेन इसी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला वाला जो है ना, तो वो मुझे लगता है कि ये जो बाइक है तो उनके अंदर ये आता है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल का ही बात है कि जो बजाज कंपनी है ना, तो इनके तरफ से बजाज का ही जो NS160 करके अभी रेट में जो मॉडल जो आता है ना, तो उसका एक ओल्डर वाले वर्जन की तरह देखने वाला एक जो NS160 है, तो उसके अंदर एक न्यू जो चीज है ना, तो वो ऐड कर दिया है जो कि भाई इथेनॉल 100% और उसको शोकेस भी किया है। और ये जो है ना, तो ये IBET 2024 वाला एक्सपो जो है तो उसके अंदर शोकेस किया है। और वैसे आपको देखिए जो IBET एक्सपो 2024 है ना, तो इसके अंदर भाई टेक रिलेटेड जो भी कुछ चीजें हैं तो वो कुछ शोकेस किया जाता है। और वैसे एक और भी शॉकिंग सा बात है कि ये जो इंडियन मार्केट है ना, तो इसके अंदर E20 फ्यूल वाला जो बाइक है, मतलब कि इथेनॉल 20% वाला जो बाइक है ना, तो वो कुछ देखने को मिलता है इसी इंडियन मार्केट में भी, साथ में भाई और भी बाहर के कुछ देश में भी। लेकिन बजाज कंपनी की तरफ से ना अभी रेट में एक न्यू चीज किया गया है जो कि बजाज के बाइक्स के लिए ना अगले 5 साल या फिर 10 साल के लिए कोई भी ऐसा चिंताजनक बात होगा नहीं, क्योंकि भाई कंपनी की तरफ से 100% इथेनॉल पे चलने वाला जो बाइक है या फिर उसका जो एक टेक है ना, तो वो बना दिया है जो कि आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे NS160 करके। और ये जो बाइक है ना, तो ये वर्ल्ड का फास्ट जो बाइक है ना, तो वो शायद से बन चुका है इथेनॉल 100% में चलने वाला, मतलब 100% इथेनॉल में चलने वाला। बाकी एक और भी चीज जो कि ये जो बाइक है ना, तो ये भाई बहुत ज्यादा सस्ते में तो भाई अभी पड़ने वाला है जब भी ये बाइक लॉन्च होगा। और इसका जो फ्यूल है ना, तो उसका भी कॉस्ट जो है ना, तो वो पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता तो होगा ही। वैसे इस वाले बाइक का जो इंजन है ना, तो ये पहले के तरह का ही एक इंजन है, मतलब कि एक 160 सीसी का 4 वाल्व वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो बोला जा रहा है कि भाई 17 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है भाई ऑलमोस्ट 15 Nm विद 5th speed का गियर बॉक्स भी। वैसे आप लोग देख ही सकते होंगे कि ये जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिला है सामने USD 4 भी, लेकिन भाई डिस्क ब्रेक के साथ में आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एक जो चीज इस वाले बाइक में देखने को मिला है, तो वो है इस वाले बाइक का जो हेडलाइट वाला सेटअप है ना, तो वो पुराने वाले मतलब जो NS160 का जो पहला वाला जो लुक है ना, तो उसके ही तरह देखने के में लग रहा है। और इसके ही साथ में हेलोजन लाइट का सेटअप भी, साथ में यहां मीटर कंसोल जो है ना, तो वो इस वाले बाइक में देखने को मिले जो अभी के रेट का NS160 वाला जो मॉडल है ना, तो उससे ही थोड़ा सा पहले का वर्जन, मतलब कि देख ही सकते होंगे कि सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल जो है ना, तो वो देखने को मिल रहा है भाई इस वाले बाइक में, जिसके अंदर ये जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर है ना, तो यही अकेला एक मतलब फीचर जो है, तो वो कुछ देखने को मिला। बाकी देखा जाए इस वाले बाइक का जो कीमत है ना, तो वो भी अभी रेट में बोला जा रहा है कि 1.4 लाख के अंदर जो है ना, तो वो देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बोल देना बजाज कंपनी की तरफ से और कितने झंडे जो है तो वो फ्यूचर में गरज जाएगा, या फिर बजाज कंपनी की तरफ से और कितना झंडे जो है ना, तो वो भी बजाज कंपनी करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।